एक्स इक्वल्स टू 40 स्क्वायर प्लस हाँ, 2t। प्लस 2t। इसमें क्या निकालना था? वी ऑफ टी एंड एक्स ऑफ टी, ए ऑफ टी। हाँ वी निकलेगा आप लोगों का 8t प्लस 2 एंड ए ऑफ टी निकलेगा 8। आया? हाँ सर, हाँ सर। का ये आंसर आया होगा वो करेक्ट है, जिनका नहीं आया होगा उनको एक बार सोचने की जरूरत है। हाँ, दूसरा बोलो। एक मिनट, आवाज बढ़ा के, आवाज बढ़ा के, स्पीकर के ऊपर बैठ के। फाइव टी सिक्स प्लस टी फाइव बस बराबर है। हाँ सर। इसमें क्या था? 6 फाइव 30 टी रेस्ट टू पावर 5 प्लस 5 टी रेस्ट टू पावर 4 इज वी एंड ए इज नथिंग बट इक्वल टू 150 टी रेस्ट टू पावर 4 प्लस 20 टी 20 टी क्यूब। सही है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अरे करेक्ट है, फिर तुम अपने आप को 5 5 10 मार्क दे दो, 10 मार्क दे दो और बाकी है पूरे 25 लेके जाओ, 10 से क्या होता है। हाँ, नेक्स्ट। एक्स इज इक्वल टू 27 प्लस 84। 7 प्लस T7 T रेस्ट टू पावर 7 है क्या? नहीं सर, हाँ सर। टी सेवन हाँ ऐसा सर, है क्या? ऐसा हाँ सर, ऐसा ही है। ऐसा है ना? हाँ, करेक्ट कर लो तो टी रेस्ट टू पावर बोला जाता है। ठीक है, टी तो पावर अगर तुम, कोई बात नहीं है। हाँ, और आगे। प्लस 8 T रेस्ट टू 4 T रेस्ट टू पावर 4। बस इतना ही है? हाँ सर। 8 4 से कितना होता? 32। क्या ऐसा वी निकला? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पे क्या होगा अपना? 7 6 6 6 36 6 7 42 T रेस्ट टू पावर 5 प्लस कितना होगा? ये 96। छ 96 96। सही है। हाँ सर। चलो हाँ खुश हो सर। जाओ, तुम्हारा अगर ये सही है तो तुमको 15 मार्क मिल गए। और जल्दी दूसरा। एक्स इक्वल्स टू 8t²3t² प्लस थ्री टी फोर्टी स्क्वेयर
थ्री है सर। अच्छा ठीक है, एट नहीं है तो थ्री ले लो, उसमें क्या है। और जिसने एट लिखा होगा वो एट लिख के कर लो, उसमें क्या है। सिक्सटी प्लस फोर और फाइनली सिक्स। हाँ सर खत्म। चलो 20 मार्क हो गए। और लास्ट अपने क्लास में लड़के सर एट था ना वहां पर, कहाँ एक्स था वो, थ्री की जगह एट था बोल रहे हैं। थ्री की जगह एट था ना, तो एट टू जा कितना हो जाएगा। अरे तो मेरी अम्मा हो तो काकू लोक ठीक है ना, काय तुम्ही पण नाही ना, तीन ना आठ साठी झगडत आहे तुम्हाला। समोरचं काय करायचं, आठ असेल तर दोन्ही मल्टीप्लाय करा, तीन असेल तर दोन्ही मल्टीप्लाय करा, करना तो दोस ही मल्टीप्लाय है ना। तुम लोग तो ऐसे ले लो, वो संक्रांति के टाइम में लेडीज नहीं जाती है क्या। अगर अगले वाले को अगर स्टील का बर्तन दिया था, मेरे को भी वही बर्तन क्यों नहीं दिया, इसके लिए झगड़ते रहते हो। तुम्हारा भी वैसे ही दिख रहा सर, थ्री और एट दिख रहा है करके, कुछ नहीं होता ना, एक दो वैल्यू आगे पीछे होगी तो क्या होता है। कभी कभी ऐसा होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तुम सॉल्व करोगे और उसका सोल्यूशन अगर समझो ऐसा है और उसका आंसर अगर 30.62 आता है। कभी कभी बच्चा सॉल्व करता है और ये 30.65 ऐसा ना आते हुए अगर किसी का आंसर ऐसा आ जाता है 29.80 अगर इतना आता है तो बच्चा इसमें भी हमको सवाल पूछने लग जाता है कि सर ये तो एग्जैक्टली नहीं आया सर। अरे तो जिसने भी अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करके लिखी रहती है वैल्यू, तुम कैलसी से करोगे तो वैल्यू अलग आती है, तुम लॉग टेबल से करोगे तो डेसिमल पॉइंट में चेंजेस आते हैं, तो दोनों चीजें अलग है। एक लॉक टू द बेस 10 का इस्तेमाल करता है, एक डिजिटल फॉर्मेट का इस्तेमाल करता है। तो चीजें कैसी होती है कि ठीक है ना, आंसर अगर लिटिल बिट फ्लक्चुएटिंग होता है, याद रखना कि पहले दो डिजिट्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं और लास्ट का जो टर्म होता है वो फ्लक्चुएटिंग होता है। ठीक है, तुम लोगों ने जो बोला वो 38 में इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन मान लो ना कि ठीक है तुम लिखते समय में आधे लोगों ने 3 लिखा, आधे लोगों ने 8 लिखा, है कि नहीं, कमाल करते हो तुम भी। चलो ठीक है, फिफ्थ प्रॉब्लम बता दो। x = 2 60 raised to the power 3 ओके। अब आप ही बता दो मेरे को v का आंसर क्या होगा। 30 t raised to power 4 plus 12 t raised to power 4 plus 12 t। तुम बोलते चलो, तुम्हारी स्पीड 120 t cube 24 t plus 24 खत्म। डिफिकल्ट है क्या? नहीं सर, नहीं सर। इसको इसके अलावा अगर कुछ और भी फंक्शन अगर होता ना, डेफिनेटली तुम लोगों को नीट की एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, जेडब्ल्यू में, हालांकि जेडब्ल्यू में क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, इसी के प्रॉब्लम के फॉर्मेट में रहेंगे, लेकिन ग्राफिकल क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। किसके क्वेश्चन रहेंगे? ग्राफिकल वेरिएशन में ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे, है ना। ऐसा ग्राफ दिया होगा तो आपको सभी चीजों के ग्राफ जो होंगे वो ग्राफ का जब हम लोग पर्टिकुलरली सेक्शन एक लेंगे ऑफलाइन में लेंगे, तब आप लोगों को पर्टिकुलरली एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा होगा, साइनोसॉइडल का ग्राफ कैसा होगा, है ना, वो पढ़ते पढ़ते पढ़ाते हुए आएंगे। चलो आज कुछ नई चीज हम लोग देखते हैं, छोटी सी चीज है जिसको आप लोगों को एक तो फॉर्मूला सिंपल सा पता है, कौन सा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हाँ। अब 1/टाइम यानी क्या होता है? अब ये चीज को सोचने के लिए सोचो थोड़ा सा। जैसे एक पर्सन है, वो कुछ समय में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, समझ लो कुछ 30 मीटर,
ठीक है। अब उसके अपने को पता है, जो भी इंसान जब भी तुम लोग दौड़ते हो चलते हो तो तुमको पता है कि दो पैरों के अंदर भीतर में जितना भी डिस्टेंस होता है उसको मेंटेन करके तुमको चलना पड़ता है ना। कोई भी इंसान दो कदम एक साथ में रखते हुए ऐसा जंप करते हुए नहीं जाता। एक तो चलेगा तो वो पर्टिकुलरली उसको पता है, अगर छोटी टांगे है तो उसको पहुंचने के लिए समय लगेगा, बड़ी टांगे है तो वो जल्दी से पहुंच सकता है, लेकिन जिम्मेदारी पूर्वक उसका जो शरीर है वो उसका वजन पेल पाए, ऐसे पैर भी मजबूत होने चाहिए, वो सब चीजें जो होती है वो फैक्टर, सारे फैक्टर हम लोग ध्यान में रखते हैं। अब ऐसी चीजें जब आप लोग फाइंड आउट करते हो तो आप लोगों को पता है कि उस पर्टिकुलर कुछ समय लगता है जब वो लोग एक डेस्टिनेशन से कहां पहुंचते हैं, दूसरे डेस्टिनेशन पे। अब इसके दौरान वो कदमों का इस्तेमाल दौड़कर भी कर सकता है, चलकर भी कर सकता है, कूद कर भी कर सकता है, या फिर लेट कर सांप की तरह भी चल सकता है, वो कैसे भी जा सकता है। ये सभी सूरतों में उसके लिए समय अलग अलग लगेगा, मानते हो कि नहीं मानते हो? इस इंसान को एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे वो चलते हुए जाए, कूदते हुए जाए, दौड़ते हुए जाए, तो हर एक सूरत में लेटते हुए चले जाए, या फिर किसी ट्रॉली को ले ले और ट्रॉली के ऊपर में एकदम शत्रुघ्न सिन्हा बन के चले जाए, तो हर एक सूरतों में उसको टाइम पीरियड कैसा लगता है? अलग अलग लगता है, अलग अलग, ठीक है। लेकिन वो जो भी चीजें करेगा, चलेगा तो कितने स्टेप ले रहा है यहां तक पहुंचने के लिए, क्या वो भी डिफाइन होगा? अगर ये व्हील पे चल रहा है तो कितनी बार ये व्हील घूमेगा यहां से यहां तक आने के लिए, वो चीजें भी होगा। अगर वो दौड़ रहा है तो कितने स्टेप लॉन्ग डिस्टेंस का एक फीट हो रहा है, वो चीजें भी तुमको पता चलती है। तो यहां से डिफाइन होता है आपका एक नंबर, क्या डिफाइन होता है? नंबर। यानी समझो ये व्हील है, इस व्हील ने 50 रोटेशन कंप्लीट किए यहां तक के आने तक के, इस इंसान ने दौड़ते हुए 100 स्टेप लगा दी, इस इंसान ने चलते हुए 150 स्टेप लगा दी, इस इंसान ने लेटते हुए गया तो अपने दौरान में वो इनिशियल से लेके फाइनल तक के पहुंचते समय में उसने इतनी बार, जैसे समझो लेटने वाला एग्जांपल ये समझो इस तरीके से, जैसे तुम सिलेंडर को उल्टाते हुए लेके जाते हो ना उस तरीके से, तो इतनी बार उसने अपना जो फ्लोटिंग है वो चेंज किया उस तरीके से। इसमें क्या डिफाइन हो रहा है? सिंपली नंबर। क्या डिफाइन हो रहा है? नंबर डिवाइड। हाँ, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ दिखाई नहीं देता है लेकिन टाइम ड्यूरेशन किस में चल रहा है कि वो उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कुछ नंबर्स का भी काउंटिंग कर रहा है। किसका काउंटिंग कर रहा है? नंबर्स का काउंटिंग कर रहा है। तो नंबर्स ऑफ रिवोल्यूशन बोलो या नंबर्स ऑफ काउंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। और ये जो डिस्टेंस होता है, ये फ्रीक्वेंसी की टर्म हमेशा वेव के साथ में एसोसिएटेड होती है, और जब ये डिस्टेंस जो होता है वेव के फॉर्मेट में ये बन जाता है वेवलेंथ। क्या बन जाता है? वेवलेंथ बन जाता है wavelength. तो एक्चुअली में स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, या फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अगर ये हम लोग अगर फॉर्मूला अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे सिंपली, अब ये तो लॉजिक नहीं था जो मेरे को पढ़ाना था, लेकिन हम लोग गलती से उस टॉपिक पे चले गए तो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन देख लिया। तो ये जो चीजें होती है जैसे हम लोगों को पता है, तो इसमें क्या डिफाइन होता है? उसके दौड़ने का तरीका। जैसे हम लोग हमेशा फैन वगैरह देखते हैं तो फैन का रोटेशन हम लोग चेक करते है ना, चेक करते कि नहीं करते? आपके घर पे जो भी पंखा घूमता है वो तेजी से घूमते आना चाहिए, इसके लिए आप लोग उसके लिए स्पीडोमीटर भी लगाते हो। पहले गियर पे वो समझो 25 रिवॉल्यूशन लगा रहा है, दूसरे गियर पे वो समझो 50 रिवॉल्यूशन लगा रहा है, और जब हम लोग लास्ट गियर पे रहते हो तो पंखे तोड़ के एकदम अपने पास में गोदी में आके बैठ जा रहा है, ऐसे भी पंखे हम लोग लगा लेते। लगाते कि नहीं लगाते? तो रिवॉल्यूशन जो होता है, तो रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम जो डिफाइन करता है, दैट डिफाइन्स द फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी को? रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो जनरली वो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मोशन को डिफाइन करती है। अगर कोई सर्कमफेरेंस के अलोंग अगर चल रहा है,
तो पार्टिकल कंप्लीट्स नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम, कोई अगर चल रहा है तो नंबर्स ऑफ स्टेप कवर्ड बाय द पार्टिकल इन पर यूनिट टाइम, नंबर्स ऑफ इवेंट कैलकुलेटेड बाय द पार्टिकल पर यूनिट टाइम, ऑल दीज थिंग्स डिफाइन्स द फ्रीक्वेंसी. क्या डिफाइन करता है? फ्रीक्वेंसी. एक फ्रीक्वेंसी यानी आप लोग, हाँ एक फ्रीक्वेंसी अगर नॉर्मली अगर आप इंसान के बारे में अगर बात करो तो वो उसके पोटेंशियल को डिफाइन करता है. फ्रीक्वेंसी किसको डिफाइन करता है? पोटेंशियल को. जैसे हम जो मैं पढ़ा रहा हूँ, हाँ जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते, मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते समय में मेरे बोलने का जो वर्ड होता है हर एक के बाद में मैं कितना फ्लो ले रहा हूँ, कब मैं उसकी पीच कम कर रहा हूँ या ज्यादा कर रहा हूँ, कितने वर्ड्स को ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, That is all nothing but just because of the frequency. किसकी वजह से? Frequency की वजह से हो रहा है ना. लिखने की स्पीड होती है तो किसी, कोई 100 वर्ड्स लिख सकता है एक मिनट में, कोई 200 वर्ड लिख सकता है, कोई 300 वर्ड लिख सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है. तो ये सब चीजें जो होती है that is depend upon the frequency. आज कुछ इस frequency के बारे में कुछ ऐसी ही चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं. Frequency तो छोड़ दो, हम लोग स्पीड के बारे में, जो डिस्टेंस अपन टाइम के ऊपर डिपेंड करती है और उसको ही हम लोग यहाँ पे डिफाइन करने वाले. अब देखो स्पीड यानी पर्टिकुलरली समझ लो, एक डेस्टिनेशन से हमको दूसरे डेस्टिनेशन पे पहुंचना है. कहाँ से? एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे हमको पहुंचना है. और ये जो डिस्टेंस है वो लगभग डिफाइन है. ये डिस्टेंस क्या है? लगभग डिफाइन है, जिसको अपन कहते हैं डी. अब ऐसा बोला गया है कि पार्टिकल हाफ डिस्टेंस v1 स्पीड से ट्रेवल करता है. हाफ डिस्टेंस किससे ट्रेवल करता है? v1 स्पीड से. और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस जो होता है वो v2 के स्पीड से डिफाइन करता है. किससे के स्पीड से चलता है? v2 के स्पीड से. हाफ डिस्टेंस v1 की स्पीड से, हाफ डिस्टेंस v2 की स्पीड से. यहां पूछा जाता है तुमको व्हाट इज द एवरेज स्पीड, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, जिसको अपन v एवरेज के नाम से जानते. एवरेज स्पीड आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है. इस सिचुएशन में एवरेज स्पीड इज नथिंग पर्टिकुलर. अब स्पीड की सामने क्या लगा दिया गया है? सिंपली एवरेज. एवरेज निकाल दिया तो डिस्टेंस की जगह भी अपन आगे क्या लगाएंगे? टोटल डिस्टेंस. क्या लगाएंगे? टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. समझा? अब हमको पता है टोटल डिस्टेंस कितना है. अरे टोटल डिस्टेंस कितना है से लेके बी तक से? डी है. टोटल डिस्टेंस कितना है? डी है. डी है. और क्या हाफ डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको टाइम t1 लगेगा? क्योंकि वो कुछ अलग स्पीड से दौड़ रहा था. अपने को पता नहीं है कि t1 कितना लगेगा, लेकिन हाफ डिस्टेंस जो भी कवर करेगा वो क्या t2 से करेगा. तो उसको टोटल टाइम जो लग रहा है क्या वो t1 प्लस t2 होगा? होगा सर. अब इस सिचुएशन के ऊपर से क्या तुम डिफाइन कर सकते हो t1 इक्वल टू, जैसे आपने को बताया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा? हाँ सर. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो सकता है, तो क्या टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा? होगा बिल्कुल. तो यहाँ से अगर t1 अगर ले लेते हैं तो अपन, तो d/2 ये डिस्टेंस हो गया और v1 क्या उसकी स्पीड हो गई? क्या उसी तरीके से t2 इक्वल टू d/2 ये डिस्टेंस हो जाएगा और v2 क्या उसकी स्पीड हो जाएगी? क्या यहाँ से t1 और t2 की वैल्यू तुम इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हो? कर सकते हैं सर. कर सकते हैं बिल्कुल. अपने को लॉजिक समझ में आता है, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलते चलो ताकि पढ़ाने वाले का भी एंथुजियाज्म मेंटेन रहे. तो d/2 v1 + d/2
टू इंटू वी टू, अब ये बिल्कुल मत बोलना कि डी बाई टू है तो ये टू नीचे आता नहीं है करके, कभी कभी बच्चा इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है कि सर ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी अगर है तो ए डिवाइडेड बाई बी सी क्यों नहीं होता, है ना, ए बाई बी है डिवाइडेड बाई सी है तो इसका आउटपुट जो है ए डिवाइडेड बाई बी सी होता है, अगर ऐसे वर्ड में लिख दिया जाए तो इसमें भी कंफ्यूजन आता, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है फिलहाल तो भी मेरे को ऐसा लगता है। तो यहां से अगर देखेंगे, अब अपने को पता है बॉटम में से क्या कॉमन निकल रहा है, डी बाई टू, दोनों भी स्टेप में से हाँ। क्या कॉमन निकल रहा है, डी बाई टू, तो यहाँ पे हो जाएगा डी, इधर में हो जाएगा डी बाई टू कॉमन, और डी बाई टू अगर कॉमन निकालूंगा तो बचेगा क्या, वी वन और वी टू बचेगा कि वन बाई वी वन प्लस वन बाई वी टू, वन बाई वी वन प्लस वन बाई वी टू, ठीक है, अगर इस चीज को अगर देखते हो तो क्या डी ने डी को कैंसिल कर दिया, सर। अब ये वन डिवाइडेड बाय वन बाई टू है, कैसा है, वन डिवाइडेड बाय वन बाई टू है, तो क्या इसको डायरेक्टली टू लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको फाइनल आउटपुट का जो आंसर है वो आंसर आपको क्या मिलेगा, आप खुद ही सॉल्व करो इसको और मेरे को फाइनल आंसर बताओ आपका क्या आता है, लिख लो ये उतार लो, हेडिंग देना एवरेज स्पीड, हेडिंग क्या दोगे, एवरेज स्पीड, इतना आंसर निकलेगा, चेक कर लो। हाँ सर निकला, बिल्कुल निकला। सर। अब दूसरी चीज डिफाइन करते हैं, सबने लिख लिया, किसी को रेसिप्रोकल सॉल्व करने में तकलीफ हुई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? नहीं सर। नहीं ना, हाँ, और किसी को अगर लगा होगा तो मैं उसको बोल सकता हूँ वन बाय ए है वन बाय बी है तो अपने को ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी ऐसा आंसर निकलता है ना, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों में मत जाओ और आप लोग इजीली इसमें कैलकुलेट कर सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। अब सेम चीज हम लोग वही कंसेप्ट फिर से हम लोग ए और बी के तरफ में जाएंगे, किसके तरफ में, ए से लेके बी तक के जाएंगे, लेकिन अब हम लोग
वो के पास में डिस्टेंस डिफाइन नहीं है. क्या डिफाइन नहीं है? डिस्टेंस डिफाइन नहीं है, बट द टाइम इज डिफाइन. क्या डिफाइन है? टाइम. ए से लेके बी तक के टाइम डिफाइन है, और टोटल टाइम कितना लगता है? टी. और बोला गया है सवाल में कि अ पार्टिकल कवर हाफ द टाइम. कितना टाइम? टी बाई टू टाइम वी वन स्पीड से कवर करता है. टी बाई टू टाइम कितने से कवर करता है? वी वन स्पीड से कवर करता है. और टी बाई टू टाइम रिमेनिंग जो टी बाई टू टाइम है वो कितने से कवर करता है? वी टू से कवर कर. तो यहां से आपको पता चलता है कि हाफ टाइम में वो वी वन स्पीड से चला तो क्या डी वन डिस्टेंस कवर करेगा? हाँ. और हाफ टाइम में वी टू की स्पीड से चलेगा तो क्या डी टू डिस्टेंस डिफाइन करेगा? हमारे लिए प्रॉब्लम में डी वन और डी टू दिया नहीं रहता, लेकिन हम फॉर्मूले से अभी भी उसकी एवरेज स्पीड निकाल सकते है कि नहीं. ये चीजें हम लोग कॉमनली भी करते हैं कि अगर हम लोगों को समझो हाफ पेपर हमारा चल रहा है और हम लोग सॉल्व करते हुए आते हैं, जब तक के हमको सारे प्रॉब्लम्स आते हैं तब तक के हम लोग बिल्कुल घड़ी की तरफ देखते नहीं है, लेकिन जैसे ही अपने को ऐसा लगता है कि बहुत सारा अपना पेपर बाकी है तो फिर अपन स्पीड का मेंटेनेंस करना स्टार्ट कर देते. पहले तुम कितनी भी स्पीड से लिखते हुए लेके आओ, तो इस तरीके से अपन कैलकुलेट करते. तो यहां पे D1 इतना डिस्टेंस हो गया. अब क्या है कि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो भी कवर करेंगे अपन वो D1 प्लस D2 रहेगा. कितना रहेगा? D1 प्लस D2 रहेगा. और टाइम इंटरवल जो रहेगा वो T रहेगा. कितना रहेगा टाइम इंटरवल? T रहेगा. यहां से अपन सिंपली डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको D1 इक्वल टू हो जाएगा V1 इंटू T बाई टू, और यहाँ पे D2 इक्वल टू हो जाएगा V2 इंटू D बाई टू. T बाई टू नॉट D बाई टू. समझा? तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो अपने को दिखाई देता है D1 और D2 की वैल्यू. वैल्यू पुट करो V1 इंटू टी डिवाइडेड बाई टू प्लस V2 इंटू टी डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई टी. यहां से कॉमन निकालोगे तो T बाई टू कॉमन निकलेगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई ये बचा हुआ T हो जाएगा. T ने T को मार दिया, आंसर फाइनली मिलता है तुमको V1 प्लस V2 प्लस V3. V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई टू कितना मिलता है? V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई टू. क्या ये लॉजिक समझ में आया? चेक करो एक बार. हाँ सर. समझ में आया? तो हम एवरेज स्पीड दो तरीके से निकाल सकते हैं. कितने तरीके से? फिलहाल के लिए तुम्हारे लिए दो तरीके इम्पोर्टेंट. एक, हाफ डिस्टेंस अगर वो कवर करता है V1 की स्पीड से, और हाफ डिस्टेंस अगर V2. यानी यहाँ पे क्या डिफाइन है कि हाफ डिस्टेंस वो कितने स्पीड से कवर कर रहा है और अदर हाफ डिस्टेंस वो कितने स्पीड से. यहाँ टाइम डिफाइन नहीं है. तो कभी कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ऐसी चीजें होती है कि फाइंड आउट द ट्रेन कवर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड अदर हाफ डिस्टेंस विद ए 60 किलोमीटर पर आवर. तो फाइंड आउट द एवरेज स्पीड. तो वहां डिस्टेंस मेंशन किया है, और कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम मेंशन करता है. तो आप लोग दोनों सिचुएशन में आइडेंटिफाई कर रहे हो कि निकालना तो हमको एवरेज वेलोसिटी ही है. क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी. लेकिन एक का फॉर्मूला बन रहा है 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, और दूसरे का फॉर्मूला बन रहा है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2. यहां टाइम आधा आधा डिफाइन था, यहां डिस्टेंस आधा आधा डिफाइन था. समझ में आया?
तो सवाल वही है, यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड. ठीक है, वेलोसिटी के लिए हम लोग डायरेक्शन को भी ध्यान में रखते हैं, तो उसके चलते में फॉर्मूला लगभग ऐसा ही कुछ आएगा. समझ में आई ये चीज? हाँ सर. हाँ चलो चलो, आज के लिए फिर असाइनमेंट देता हूँ. ऐसे ही प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, सिचुएशन देता हूँ, वो सिचुएशन लिख लो. देखो, एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक के ट्रैवल हो रहा है. ठीक है, इसमें ध्यान में रखना, डी बाय थ्री डिस्टेंस कवर्ड इन वी वन सेकेंड, वी वन स्पीड में कवर कर रहा है. डी बाय टू जो है वो, डी बाय थ्री जो है वो वी टू से कर रहा है. और तीसरी जो सिचुएशन है, डी बाय थ्री जो है वो कितने से कवर कर रहा है? वी फोर से, वी थ्री से. ठीक है, ये पहला प्रॉब्लम. सेम क्वेश्चन रिपीट करो सर. हाँ, d by 3 डिस्टेंस जो है वो v1 स्पीड से कर रहा है. d by 3 नेक्स्ट d by 3 जो डिस्टेंस है वो v2 की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है. और उसका लास्ट d by 3 जो डिस्टेंस है वो v3 के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है ना. पहले जो पार्टीशन था वो कितने में किया अपन ने? दो इंटरवल में किया था. अभी कितने इंटरवल में किया है? तीन में किया है. अब ये तीन में करोगे, उसके बाद में नेक्स्ट जो है, अगर मैं डिस्टेंस को फाइव इंटरवल में कर दूं, अब थोड़ा सा सवाल का टेक्निक बदल रहा हूं सर. इफ इंटरवल इन डिस्टेंस इज इक्वल, but it define variable speed, five times find average स्पीड. सवाल समझा? ठीक है, जो चीज मैंने ऊपर में लिखी है वही चीज मैंने शब्दों में नीचे बयां की है. क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, इफ इंटरवल इन डिस्टेंस आर इन इक्वल, आर इक्वल, बट it defines variable speed five times, find the average speed. सवाल समझा? जो चीज ऊपर define की गई है वही चीज नीचे में question के format में लिखी हुई है. अब interval कितने आएंगे a से b के बीच में? Five. कितनी बार speed को vary करेगा वो? फाइव बार. अब जरूरी है कि हर बार स्पीड को बढ़ाएगा ही करके? नहीं. कम भी कर सकता है, कम भी करेगा तो भी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी. हाँ. ज्यादा रहेगा तो भी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी. ये दोनों चीजों में भी हम लोगों को पता है, क्योंकि हम डिफाइन कर रहे हैं स्पीड को. किसको डिफाइन कर रहे? स्पीड को. समझ में आ गया? इन दोनों के लिए तुम फॉर्मूला जब डिफाइन करोगे, तो मेरा तीसरा सवाल बनाता हूं मैं इन दोनों के ऊपर से. क्या इसके ऊपर से मैं कोई भी नंबर दे दूं, जनरल फॉर्मूला डिफाइन कर पाओगे? तुमको उन फॉर्मूलेस के ऊपर से लॉजिक ढूंढना है. क्या करना है? लॉजिक ढूंढना है. जो भी तुम्हारे आंसर्स निकलेंगे, उन आंसर्स के ऊपर से तुम उनकी अरेंजमेंट, यानी उन नंबर्स की अरेंजमेंट देखोगे. जैसे V1, V2 आएगा, V2, V3 आएगा, जो भी आएगा, उनके ऊपर से तुमको तुम्हारा लॉजिक डिफाइन करना है. और वो मेरे को कल एक्सप्लेन करके बताना है कि सर इस तरीके से इसका लॉजिक है,
चाहे आप इंटरवल को कितने भी इसमें एक्सपांड कर दो, मेरे को हर बार डेरिवेशन लिखने की जरूरत नहीं, मैं ओरली लिख के बता सकती या बता सकता हूँ। समझोगे, ट्राई करोगे? और अगर तुमको ऐसा थ्योरेटिकली मैंने एक बार बोला है और वही एक बार में अगर आपको समझ में आ जाता है तो समझो आप आगे के लिए तैयार हो। इजी है, लॉजिक समझ में भी आएगा। सिर्फ अब हर कोई कैसा डिफाइन करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी उसको क्या चीज दिखाई देती है। एकदम चीजें वही होनी चाहिए जो दिखाई देती है। हाँ, बियॉन्ड द इमेजिनेशन या बियॉन्ड द रिटन तुम्हारी आंखों के सामने कुछ चीजें दिखाई ही नहीं दे रही है और तुम वहां पे लिख रहे हो उसको, तो वो चीजें मत करना। जो तुमको रिटर्न लिखने के बाद में फाइनली जो आंसर मिलता है उसके ऊपर से प्रेडिक्शन करना और मेरे को जनरल फॉर्मूला बताना। कौन सा फॉर्मूला बताओगे? जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। कर लोगे इतना असाइनमेंट? हाँ सर। हाँ सर। चलो आज के लिए इतना ही काफी है। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। बाय सर। बाय सर।